हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे आप। आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में। आपने सुना होगा हार्ट बर्न की, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, आपकी भी फैमिली में कोई ना कोई प्रेग्नेंट, आप खुद प्रेग्नेंट रहोगे, आपके कोई सिस्टर, कोई भाभी, लाइक कोई भी फैमिली मेम्बर कोई भी प्रेग्नेंट रहो, तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक कंप्लेन करते हैं। हो सकता है कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट डे मंथ से ही करें या एंड जब भी होने वाला हो तब करें, बट वो एक कंप्लेन करते हैं कि हमें हार्ट बर्न होता है, मतलब हमें सीने में जलन होती है, हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमें गैस हो रहा है, हमें जलन हो रही है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट बर्न क्या है। देखिए, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले समझाऊंगी उसका एक साइंटिफिक जो रीज़न है, उससे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में यही समझाऊंगी कि हार्ट बर्न होता है कि जैसे कुछ भी मतलब जो प्रेग्नेंट है लेडीज़ हैं उनको एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, एंड रिफ्लक्स होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनईजी फील करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा बर्न बर्न सा ऐसे जलन जलन वाली सेंसेशन होती है अपर स्टमक पार्ट में, लाइक चेस्ट टू जो अपर स्टमक पार्ट है हमारा वहाँ पर, तो उनको ये प्रॉब्लम आता है। अब देखिए, अब क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखिए क्या होता है, हमारा एक फूड पाइप होता है जो हमारा ईसोफेगस पाइप जिसको आप बोलते हैं, वो ईसोफेगस टू स्टमक जाता है, उसमें नीचे ना एक स्पिंचर लगा होता है जिसको हम वॉल्व बोलते हैं, जो हमारा स्टमक एंड उस जो फूड पाइप है उसको उसके बीच में होता है, जो जब खाना जाता है तो वो ओपन हो जाता है, जब खाना नहीं होता तो वो क्लोज रहता है। तो क्या होता है कि जो वहाँ की जो मसल्स हैं जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो वो काम नहीं कर पाती हैं कि जो आपका स्टमक में खाना है उसको वहीं पर रख के एक डिफरेंस मेंटेन करके रखे। वो क्या करती है कि वो मसल रिलैक्स होने की वजह से जो भी आपने खाया होता है वो वापस से फूड ऊपर की तरफ प्रेशर मारना शुरू कर देता है, एंड वो वापस से हमारा फूड पाइप मतलब ईसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न हमें फील होता है। अब क्या होता है, ये क्यों होता है, देखिए इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न अगर हम बात करें वो होता है हमारा हार्मोनल रीज़न, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें से कि एक हार्मोनल चेंजेस आता है जिसमें हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो हाई होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा ईसोफेगस की जो हाँ बोले लोअर ईसोफेगस स्पिंचर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो लोअर ईसोफेगस स्पिंचर है जो वो मसल है वहाँ पर, वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक में फूड है वो हमारा वापस से ईसोफेगस में आ जाता है। एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न होता है कि बेबी का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे बेबी का साइज बड़ा होता है तो वो क्या करता है कि वो आपके फूड पाइप के ऊपर लोअर फूड पाइप के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, इसमें रीजंस होते हैं। कुछ लोगों को तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आ जाता है कि लाइक वो प्रेग्नेंट हुए एंड विद इन वन मंथ टू मंथ्स के अंदर अंदर उनको ये हार्ट बर्न की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम आता है। अब ट्राइमेस्टर में आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं फर्स्ट थ्री मंथ्स, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब मिडिल थ्री मंथ्स, जैसे जो हमारा फोर फाइव सिक्स मंथ हो गया, एंड सेवन एट नाइन मंथ जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, दैट इज फाइनल ट्राइमेस्टर। उसमें भी होता है तो कुछ लोगों को फाइनल ट्राइमेस्टर में होता है, लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बेबी का साइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है एंड वो बेबी का जो साइज़ है वो प्रेशर डालता है ईसोफेगस के ऊपर, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाती है। तो ये हमारा भी रीज़न है। तो कुछ जिन लोगों में ये एंड टाइम पे होता है उनमें तो फिर भी थोड़ा इतना बेटर होता है कि चलो थोड़े टाइम के लिए हुआ है ना इसमें और वो ठीक हो जाता है, बट जिन लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आता है तो उनको लाइक हार्मोनल की वजह से है प्लस बेबी का साइज बड़ा होने की वजह से भी उनको कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो उनमें ये चीज़ें थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते थे बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि वैसे इसकी सबसे अच्छी बात बस यही है कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है तो बाद में आपके हॉर्मोन्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं एंड आप बेबी भी बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो आपका एसिड जो हार्ट बर्न वाला प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, वो नहीं रहता। चलिए अभी हम बात करेंगे, अभी तो हम देख लें कि क्यों होता है, इसके दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट होता है कि हमारे ये क्यों होता है, लाइक कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रिगर चीज़ें हैं, ऐसे कौन सी आइटम्स हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइसी फूड, जो स्पाइसी फूड होते हैं ना वो हमारी जो इसी फिगर्स लाइनिंग है उसको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाती है एंड लो हमारा एलईएस है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से भी हार्ट बर्न का प्रॉब्लम आता है। सेकंड होता है फैटी फूड और ग्रीसी फूड। जो फैटी फूड एंड ग्रीसी फूड है ना वो बहुत टाइम आपके स्टमक में रहते हैं, वो बहुत जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जल्दी से एम्प्टी नहीं होता है, एम्प्टी नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है और वो सेम हार्ट बर्न का प्रॉब्लम करता है। थर्ड होता है कैफीन एंड अल्कोहल।
कैफीन एंड अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिसर्चेस में देखा गया है कि ये भी जो हमारा LES है, लोअर इसोफेगल स्पेक्चर, इसको भी जाके रिलैक्स करता है, उसके मसल्स को भी जाके रिलैक्स करता है कैफीन एंड अल्कोहल। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से फूड्स आपको करते हैं। अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन का तो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं आपको इतना ही बोलूँ कि इसमें मेडिसिन अवॉइड किए जाते हैं। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि इसको लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, डाइट चेंजेस के थ्रू हम इसको ठीक करें। तो सबसे पहले हम बोले लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू कैसे ठीक करेंगे, तो आपको क्या करना है, स्मॉल पोर्शन में खाना है, फ्रीक्वेंट खाना है। लाइक एक बार में जैसे आप ब्रेकफास्ट करें तो एक बार में आपको हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है। जैसे आपने 8 बजे खाया, फिर आपने 9:30 बजे खा लिया, फिर 10:30 11 बजे खा लिया, तो आपको स्मॉलर पोर्शन में छोटा छोटा फ्रीक्वेंट थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा खाना आप खाओ, वो डाइजेस्ट होता रहे और थोड़ा थोड़ा आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा खाना एक बार में स्टोर ना हो, जो कि एसिड रिफ्लेक्स को ना करे आगे जाके। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है कि आपको खाना खाते लेटना नहीं है। आपने कुछ भी खाना खाया आपको लेटना नहीं है, खाना खाइए, थोड़ा सा प्रॉपर वॉक करें कि खाना अपना प्रॉपर डाइजेस्ट हुए, थोड़ा नीचे की तरफ रहे अपना डाइजेस्ट। तो खाना खाते आपको लेटना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके हार्मोन्स की वजह से आपके LES प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बेबी के साइज की वजह से नहीं कर रहा है। आप खाते लेट जाओगे तो वो खाना वापस से रिफ्लक्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हमारा ये आपको खाना खाते लेटना नहीं है। थर्ड, जब भी आप लेट हो, जब भी आप सोते हो, तो हमेशा अपने जो हेड पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा अपर साइड पर रख के सोना है। सिर्फ आपको फ्लैट लेग पोजीशन में नहीं सोना है, थोड़ा सा आपका हेड और जो अपर बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड करके सोना है कि आपको लाइक ऐसे स्ट्रेट आप सोएंगे तो उसमें भी हमारा एसिड रिफ्लक्स और फूड रिफ्लक्स जो होता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन लाइफ स्टाइल में आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि डाइट से कैसे आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो डाइट में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एल्कलाइन फूड्स लेने हैं, जैसे बनाना हो गया, मेलन हो गया, आप ये खाइए, ये बहुत अच्छे होते हैं। एल्कलाइन फूड्स बहुत अच्छे होते हैं आपके स्टमक के लिए। सेकेंड हमारा होता है कि आपको फाइबर रिच फूड खाना है, जैसे वेजिटेबल्स आपको बहुत सारी खानी है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि फाइबर फूड्स ज़्यादा खाएंगे रैदर देन फैटी फूड्स एंड कार्ब्स के कंपैरेटिव, आपको फाइबर फूड्स बहुत ज़्यादा खाने हैं। थर्ड होता है कि आपको जो ट्रिगर फूड्स है, जो मैंने बताया कि आपको पता है कि आप ये स्पाइसी फूड खाते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है, या आपको घर में आपके घर में स्पाइसी खाना खाया जाता है तो आपको प्रॉब्लम होता है, तो आपको ट्रिगर फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है कि जो भी खाना, जैसे मैंने बताया स्पाइसी फूड हो गया, कॉफ़ी हो गया, कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया, या कोई भी फैटी ग्रेसी फूड्स हो गए, आपको पता है ये ट्रिकी फूड्स है, तो आपको ये अवॉइड करना है और आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डाइट के अकॉर्डिंग हो गया कि हम डाइट के अकॉर्डिंग इसको कैसे करेंगे। अब मैं बात करूँ कि मान लीजिए कुछ नॉन मेडिकल मेडिसिन भी हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट जिनको हम बोलते हैं, उसमें आप बोल सकते हैं जैसे हर्बल टीज आती है, कुछ हर्बल टीज है जो आपको मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई करते हैं, आपका डाइजेशन थोड़ा सा फास्ट करती है, जिसकी वजह से थोड़ा डाइजेशन फास्ट होता है, तो हमारे कोई हार्टबर्न का प्रॉब्लम नहीं आता। तो कुछ हर्बल टीज होती है, कोई च्युइंगम्स भी होते हैं जो मार्केट में आते हैं, लाइक पर आप मैं ट्राई वो बोलूँगी, अगर प्रेग्नेंट हो तो आप प्लीज़ अगर अपने डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में आप पक्का से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन। अब मेडिसिन में क्या होता है, इसमें हम एंटासिड्स अगर हम देते भी हैं ना, तो हम वो एंटासिड्स नहीं देते हैं, लाइक पहली बात तो हम कम देते हैं, क्योंकि एंटासिड्स के अभी तक प्रॉपर इतनी रिसर्चेस नहीं है कि उसमें ये माना गया है कि हम जो एंटासिड्स देते हैं कुछ का कुछ अमाउंट बच फीटस में जाता है, तो टू अवॉइड एनी डैमेज टू द फीटस इन लॉन्ग टर्म, तो हम एंटासिड नहीं देते, बिकॉज ये वैसे भी बहुत ही कॉमन है, कोई रेयर डिसीज तो है नहीं, एंड पहली बात तो ये डिसीज ही नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम जो प्रेगनेंसी में आता है टू हार्मोनल ड्यू टू फीटस साइज, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, तो इसमें तो कोई भी लाइक देने का जरूरत नहीं है कि आपको मेडिसिन नहीं दोगे तो आपको नहीं चलेगा। जो आप अगर लाइफ स्टाइल चेंजेस, आपके फूड चेंजेस, डाइटरी चेंजेस को आप वैसे भी चेंज करोगे तो एनी हाउ वो वैसे भी ठीक हो ही जाता है। तो एंटासिड्स वैसे भी नहीं देते हैं कि वो फीटस को लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना करे, और अगर देना भी पड़ता है तो अगर बाई चांस बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपको एंटासिड देना भी है, तो उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स वाला एंटासिड नहीं दिया जाता है। देखा गया है कि इसमें क्या होता है, जो मदर का फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसमें फ्लूइड रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और ज़्यादा हार्टबर्न का प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंटासिड ना OTC मेडिसिन्स होती हैं, तो OTC मेडिसिन्स हमारी क्या होती है, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कहीं पर भी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं करिए। अगर आप या आपका नियर वन कोई भी प्रेगनेंट है, उसको हार्टबर्न हुआ और आप जाके कोई भी एंटासिड की मेडिसिन उठा के ला के उसको दे दी, प्लीज़ चेक उसमें कौन सा सॉल्ट है, अगर उसमें बाइकार्बोनेट है तो वो आपको ठीक करने के बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, सेम फूड इफेक्ट्स के
हार्ट बर्न और ज़्यादा कॉज करेगा। बाकी अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ और बोलूँ तो आप ये सारी चीज़ें तो आप फॉलो करेंगे ही, बाकी आप अपनी एक डायरी बना लीजिए जिस डायरी में आप प्रॉपर लिख सकें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें से आपको हार्ट बर्न ज़्यादा हो रहा है, तो आप वो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए थोड़े टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे आपकी डिलीवरी होगी बेबी हो जाएगा तो एनी हाउस सब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, फिर तो आपको हार्ट बर्न का कोई इशू ही नहीं है। तो फॉर अ टाइम भी जितने भी मंथ्स आपको नीचे सफ़र होते तो वो फूड्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और बाकी फिर भी आपको अगर ये सब करने के बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है देन प्लीज़ गो अपने गायनी से एक बार बात करिए, वो आपको और आपके बेबी को देखते हुए आपको बेस्ट मेडिसिन देगी। क्योंकि आपका कोई भी लाइक आप सोचो कि आपने अपनी फैमिली में किसी को डॉक्टर बना दिया, आपके नियर वर्ड किसी को डॉक्टर बना दिया है, वो आपको एक आप सोचो कि वो एक्सपीरियंसड है उसके बच्चे हैं तो वो सही देगा, ऐसा नहीं है। हर प्रेगनेंट लेडी हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट अगर एक ही प्रेगनेंट लेडी है उसके दो बच्चे हैं दो बार प्रेगनेंट है तो वो दोनों बार भी उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि उसने ऐसा खाया था पिया था वो ठीक हो गया तो मैं भी हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। हार्ट बर्न बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, किसी को है भी तो आप उसको कंसल्ट करिए, ये बोलिए उनको जो जो मैंने आपको बताया है, इन सब चीज़ों पर प्रॉपर फोकस करेंगे यानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं फॉर सम एनी अवेयरनेस। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस हैप्पी वीकेंड, बाय।